विक्रम, ये समय सोचने का नहीं है, उस पिशाचनी को पकड़ने का है। किंतु कैसे बेताल? वो पिशाचनी तो आकाश में उड़ गई। बेताल के रहते कुछ भी असंभव नहीं है विक्रम। विक्रम आजा। विक्रम चल, उस पिशाचनी के पंख कतरते हैं, चल। इस बार तुम हमसे बचकर भाग नहीं पाओगी। मेरी इस शक्ति से अब तू नहीं बच पाएगा विक्रम। विक्रम, तू मुझे पकड़ नहीं सकता। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। बेताल, वो जंगल में जा रही है, शीघ्र चलो बेताल। चिंता मत कर विक्रम, ये जंगल बेताल का घर है। ओ! बेताल, तुम उधर ढूंढो, हम इधर ढूंढते हैं। शाशनी, तू हमारा बुरा तो नहीं कर पाई, किंतु हम तेरा भला अवश्य करेंगे, तुझे जीवन से मुक्ति देंगे। जो स्वयं 1100 वर्षों से भटक रहा हो, वो मुझे क्या मुक्ति देगा? मुक्ति तो मैं दूंगी, तुम दोनों को साथ में। पिशाचनी, जब विक्रम और बेताल एक साथ हों, तो संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। बिल्कुल सत्य कहा तुमने बेताल। राजन,
तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, किंतु अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो रहा है? हमारी शक्तियां इस पिशाचिनी के सामने कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? मैं जानती हूं राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने उन निर्दोष किसानों के साथ जो अन्याय किया है उसे न्याय में बदलना होगा राजन। किंतु कैसे संभव है बेटा? विक्रम, यदि तू सच्चे मन से प्रण कर ले कि उन निर्दोष किसानों को न्याय दिलाएगा, तब भी तेरा वो अन्याय समाप्त हो सकता है। जो प्राण मैं लूं वो प्राण भी ले, तो भी मैं उसको पूरा करूं। हे माता शिप्रा, हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य धन मन और सच्चे हृदय से संकल्प लेते हैं, किसानों के साथ हमसे जो अन्याय हुआ उसका हम प्रायश्चित करेंगे और भविष्य में भी कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। माता, राजा विक्रमादित्य, भविष्य अभी बहुत दूर है, पहले अपने इस वर्तमान से तो बच लो। विक्रम, इस प्रशासनिक अंत केवल पवित्रता से हो सकता है। विक्रम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विक्रम,
मिल गई मुक्ति इसे। बेताल तुम कहां जा रहे हो? बेताल कम से कम वहां तो कदापि नहीं जहां से मुझे भगा दिया गया था, मुझे हत्यारा समझा गया था। बेताल अब उन पुरानी बातों को भूल जाओ और हमें क्षमा कर दो। वैसे भी तुम तो जानते हो वो भूल हमसे क्यों हुई थी। राजन वैसे तो बेताल किसी को क्षमा नहीं करता, किंतु तू इतना बड़ा सम्राट है, सम्राट होके मुझसे क्षमा मांग रहा है, तो मैं एक नियम पे तुझे क्षमा कर सकता हूं। कैसा वचन बेताल? तू मुझे भोजन करने से नहीं रोकेगा। ठीक है। तो इसी बात पे बेताल। तुम एक व्यू में फंस गए हो। यदि तुम्हारी हार हो तो मेरी जीत है, यदि तुम्हारी जीत हो तो भी मेरी जीत है। पूछो कैसे? यदि मेरी किसी पुतली ने तुम्हारा अंत कर दिया तो मेरी जीत है। यदि तुमने मेरी किसी पुतली का अंत कर दिया तो भी मेरी जीत है, क्योंकि उसकी शक्तियां मुझ में समा जाएंगी, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। मेरी पुतलियों के साथ इस संघर्ष में चाहे तुम जीतो या हारो, जीत जीत सदैव भद्रकाल की होगी। कर्मंत्र भया, कर्तंत्र भया, कर्वेदा छिड़ाया छिड़ाया। रूपी पिशाच जागो, क्या मेरी पुकार तुझे सुनाई नहीं दे रही? मेरा तंत्र विफल नहीं जा सकता। अरे मृत्यु की मुट्ठी से छीन कर लाऊंगा तुझे। स्वागत है स्वागत। और विलंब करते तो मुझे तुम्हें लेने के लिए स्वयं नरक में आना पड़ता। अरे मरकर फिर से जीवित हो उठे हो, कितने भाग्यशाली हो तुम। मैं आभारी हूँ आपका स्वामी, पर यदि आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है तो इसके पीछे आपका कोई आशय अवश्य होगा स्वामी। वाह,
वाह, तुम्हारी इसी चतुराई के कारण तो तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए चुना गया है। भद्रकाल और विक्रमादित्य में कितना बैर है ये पूरा संसार जानता है। मुझे क्या करना होगा स्वामी? तुम्हें मेरे नेत्र बनकर आठों पहर उस विक्रमादित्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखनी होगी। वो कब, कौन सी और कैसी योजना बना रहा है इसकी सूचना तुम्हें मुझे अवश्य देनी होगी। जब दाव बड़ा हो तो एक छोटी सी गुप्त जानकारी बड़े से बड़े खेल को पलट देती है। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। तो जाओ और याद रखना, जब इस संसार में इतिहास लिखा जाएगा कि भद्रकाल ने विक्रमादित्य और बेताल का अंत कैसे किया, तो उसमें कारकंड का योगदान क्या था वो भी अवश्य लिखा जाएगा। जाओ, शीघ्र जाओ। मेरी गति पवन से भी तीव्र है स्वामी, और नजर तीर से भी प्रखर। आप निश्चिंत रहिए। जिसने कारकंड को यूं पकड़ लिया जैसे जैसे वो कोई असहाय पंछी हो। ये कौन है? ये कैसी माया है? कौन थी वो भाभी? हम आपसे पूछ रहे हैं। बोलिए ना मां, बोलिए कुछ। देखिए, आपकी चुप्पी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। भाभी, एक ऐसी स्त्री जिसका कुल ज्ञात नहीं, जिसका कोई उचित परिचय नहीं, आप उसे महल में कैसे ला सकते हैं भाभी? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको दे चुके हैं देवर जी। हम आपको बता चुके हैं कि वो औरत कौन थी और यहाँ क्यों आई थी। हमें आपकी समझ पर संदेह होता है भाभी। तेरा संदेह एकदम सही है विक्रम। इसकी खोपड़ी में मस्तिष्क की जगह मूत्रा भरा हुआ है। क्या आपको अंदेशा है? एक अपरिचित स्त्री को बिना जांच पड़ताल के महल में लाना कितना घातक सिद्ध हो सकता है? एक चुड़ैल ने एक पिशाचिनी से मित्रता की, गौर कर लियो, फिर उसे अपने घर में घुसाया। विक्रम, मुर्गा बना दो, नहीं मुर्गी बना दो, और इसको बोलो बांध दे। बेताल, बस। अरे चुप हो जाने से इसकी बुद्धि खुल जाएगी क्या? हमसे अनजाने में भूल हो गई। अरे इसकी बुद्धि खुल गई। भाभी, हम आपको अपमानित करना नहीं चाहते हैं। हम तो केवल आपको सचेत करना चाहते थे कि भविष्य में आप सावधान रहें, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमें आपके विरुद्ध कठोर निर्णय लेने होंगे। भूल तो मनुष्य से ही होती है ना देवर जी। मां की ओर से हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। हम क्षमा मांग रहे हैं ना, फिर तुम बीच में। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी देवर जी। मेरे इस अपमान का प्रतिशोध तुम्हारी मृत्यु से होगा राजा विक्रमादित्य।